Hi guys, I'm Priyanka and welcome to my new vlog. So guys, आज के vlog में मैं आपको सिखाऊंगी ice cream बनाना by using just 3 ingredients. So come on, let's go. गाइज आज मैं आपको एक आइसक्रीम नहीं बल्कि सिखाऊंगी 3 फ्लेवर्स की आइसक्रीम और आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट आइसक्रीम, कॉफ़ी आइसक्रीम एंड ओरियो आइसक्रीम. सो इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं फ्रेश क्रीम, कंडेंस मिल्क, कॉफ़ी और ये मैं डेविड ऑफ की कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ प्योर कॉफ़ी, इसमें चिकोरी मिक्स नहीं है और इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अमेजिंग है. उसके बाद आपको चाहिए कोको पाउडर, ओरियो बिस्किट्स, रोस्टेड आलमंड्स एंड पिकेंस. तो चलिए अब शुरू करते हैं आइसक्रीम बनाना. सो सबसे पहले क्लीन बोल में आप इस तरीके से क्रीम को निकाल लीजिए और ये क्रीम 250 ml है, मेक श्योर ये ठंडी हो. सो आफ्टर टेकिंग आउट क्रीम यू जस्ट हैव टू विस्क इट. एंड आफ्टर विस्किंग द क्रीम फॉर एटलीस्ट 10 minutes ये इस तरीके से थिक हो जाएगी. ये देख रहे हैं, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए आपको अपनी आइसक्रीम बनाने के लिए. अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ml ऑफ कंडेंस मिल्क. वो आई लव दिस प्रोसेस. और कंडेंस मिल्क को बहुत ही हल्के हाथों से आपको इस क्रीम के अंदर फोल्ड करना है. ये देख रहे हैं कितना ब्यूटिफुली ये फोल्ड हो चुका है. तो गाइज ये आपका आइसक्रीम का बेस तैयार हो गया है जिसमें मैंने यूज़ करे हैं सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स. आप जिस भी फ्लेवर की आइसक्रीम खाना चाहते हैं वो फ्लेवर आप इसमें ऐड कर सकते हैं. भाई वेनिला खाना है तो वेनिला एसेंस डाल दीजिए, चॉकलेट आइसक्रीम खानी है तो कोको पाउडर डाल दीजिए एंड सो ऑन. तो चलिए अब इस मिक्सचर को मैं पोर करती हूँ ग्लासेस में. सो गाइज ये आइसक्रीम बेस को मैंने डाल दिया है इन 3 ग्लासेस के अंदर और अब मैं इसमें फ्लेवर्स ऐड करूँगी. तो सबसे पहले ऐड करते हैं ये कोको पाउडर. यहाँ मैंने 3 चम्मच लिए हैं. उसके बाद ऐड करते हैं कॉफ़ी. ये आप थोड़ी कमी डालिएगा नहीं तो कड़वी हो जाएगी. और अब इसमें डालते हैं ओरियो बिस्किट. ऐसे क्रश करके डाल दीजिए. और अब इसको आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये सारे फ्लेवर्स इसके अंदर इन्फ्यूज नहीं हो जाते. अब जो मैं आपको स्टेप दिखाने वाली हूँ वो बिल्कुल ही ऑप्शनल है. अगर आपको भी मेरी तरह ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद है अपनी आइसक्रीम के अंदर देन यू मस्ट ऐड देम. सो मैं कॉफ़ी आइसक्रीम में ऐड करूँगी पिकेंस और चॉकलेट आइसक्रीम में ऐड करूँगी रोस्टेड आलमंड्स. सो गाइज अब मैं आपको बताऊँगी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप. जब आप इस आइसक्रीम को फ्रीज़र के अंदर जमाने के लिए रखेंगे तब आपको इस तरीके से जो प्लास्टिक रैप होता है ना सबके घरों में होता है, इस तरीके से आपको इसको सील करना है. ये देखिए ऐसे दबा दबा के. ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ताकि जब ये जमेगी ना तो ये क्रिस्टलाइज नहीं होगी. बस इसको आप ऐसे तीनों को कर दीजिए. सो आइसक्रीम कप्स को कर दिया है सील और हर 3 घंटे के बाद आपको इसको जो है फोर्स से विस्क कर लीजिएगा. ये स्टेप जो है आप 2 बार रिपीट कर लेना ताकि ये जो आपका आइसक्रीम का टेक्सचर है ना वो बहुत ही क्रीमी हो जाए. तो चलिए अब मैं इसको डालती हूँ फ्रीज़र में. सो गाइस ये आ गई मेरी आइसक्रीम और ये देखिए ये है चॉकलेट आइसक्रीम, ओरियो आइसक्रीम एंड कॉफ़ी आइसक्रीम. और भाई मेरे पास एक्स्ट्रा बची थी ना तो मैंने ये चॉकलेट वाली जमा दी है. चलिए मैं इसको स्कूप करके दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया जमी है. वाओ वो ये देख रहे हैं कितनी क्रीमी और लशियस है. ओ माय गॉड आई एम सो टेम्प्टेड टू ट्राई दिस. एज मोस्ट ऑफ यू नो कि चॉकलेट आइसक्रीम मेरी फेवरेट है तो चलिए चॉकलेट आइसक्रीम को ही ट्राई करते हैं. वाओ ओ माय गॉड मम
दिस इज़ सीरियसली वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बन के आई है, इतनी क्रीमी है, इतनी बढ़िया है, चॉकलेट का परफेक्ट फ्लेवर है इसके अंदर भाई, वाकई इसको बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आया आइसक्रीम बनाने में, और आप लोग भी ये रेसिपी घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा इन तीनों आइसक्रीम्स में से आपकी फेवरेट कौन सी है। सो अब मैं आपको मिलूंगी अपने नए व्लॉग में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग।